एक बात बोले हाँ? जब तुम हंसती हो ना तो बिल्कुल बिजली की तार जैसी लगती हो सीधा दिल पे करंट लगता है। दिव्या, दिव्या कहाँ है तू? दिव्या चल जल्दी चल मेरे साथ। क्या हुआ मम्मी? चल बताती हूँ, चल बताओ ना क्या हुआ मम्मी। ये चल मम्मा बताओ ना क्या हुआ। इन्होंने तो हद ही कर दी है। हर्ष का ब्याह तेरे साथ होना था ना, देख इनको कैसे बाहर निकालती हूँ। हद हो गई इन लोगों की तो। कुछ काम था भाभी? ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब? हर्ष का रिश्ता तय हुआ है तो लड़की वाले आए हैं पहला कार्ड देने के लिए। पर हर्ष का ब्याह तो दिव्या से होना था ना, और ये बात तो पहले से तय थी जब दिव्या 9 साल की थी, और भाई साहब ने वादा किया था इनसे, और आज जब ये नहीं है तो ये सब। भाई साहब बोलिए ना आप। देखिए भाभी, साल बीत गए आप दोनों को समझाते समझाते कि हर्ष और दिव्या का कोई मेल नहीं है। हर्ष की शादी पूजा से हो रही, मैं आऊंगी शादी का कार्ड देने। आना दोनों, चलिए आप मेहमान वेट कर रहे हैं। मम्मी अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार से जिंदगी नहीं कटती, पैसे से कटती। शादी तो तेरी हर्ष से ही होगी। पर कैसे मम्मी? पिछले 5 सालों में सब तो ट्राई करके देख लिया, आपके कहने से हर को सीड्यूस भी करने की कोशिश कर ली, पर अब वो लड़की बीच में आ गई तो क्या कर सकते हैं? उसे बीच से हटाया जा सकता है। मम्मी रजनी, तुम यहाँ खड़ी, हर्ष कहाँ है? मैं लेके आती हूँ। देखो उसको, है ना, मेहमान आने शुरू हो गए। बेटा हर्ष जल्दी करो। हाँ माँ। मेहमान आना शुरू हो गए। माँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मा कितनी देर लगा दी, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। चुप कर, मुंह ठक कर, चल जल्दी। तुझे जैसे बोला है वैसे ही करना। हाँ माँ। हर्ष का फोन बंद क्यों आ रहा है? क्या अर्जेंट काम आ गया होगा? हर्ष ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? सॉरी बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्या है ना, ये जो हर्ष है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आई मीन मेरी प्रॉपर्टी की चाबी। बड़े साल इन्वेस्ट किए ताकि हर्ष और दिव्या की शादी करा के उसके बाप के पैसे परेश कर सकूं, और अब जब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बारी आ गई तुम बीच में आ गए। ये अच्छी बात नहीं है ना? गलत बात है, गलत बात।
कोर्सिव परपिट्रेटर यानी ऐसा अपराधी जो किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल करके किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और जाहिर है ऐसे लोग अपना मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें ना तो सही गलत में फर्क दिखाई देता है और ना ही जिद और जुनून में। अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में कराने के लालच में मल्लिका पहले ही तमाम हथकंडे अपना कर देख चुकी थी और अब उसके सर पर खून सवार था। शिकार हुई पूजा, पर यह तो बस शुरुआत थी। भाभी, कल जो भी हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा पता नहीं किसी ने नाश्ता किया होगा कि नहीं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई हूँ। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नाश्ता लाई थी, खा लीजिए। वैसे भाभी, मोहल्ले में ना बड़ी बातें हो रही है। सब लोग कह रहे हैं रिश्ता पक्का होते ही लड़की की मौत। सब तो ना अपने ही हर्ष को मनहूस कह रहे हैं, अपशकुनी कह रहे हैं, कह रहे हैं अब कौन ब्याहेगा इनके घर में अपनी लड़की। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया भाभी, मैंने भी सुना दिया उन सबको। अरे कौन ब्याहेगा क्या मतलब, हम ब्याहेंगे? भाभी मैं तो कहती हूँ यही मौका है इन सब के मुंह बंद कराने का। मैं कहती हूँ हम ना फटाफट से हर्ष और दिव्या का ब्याह कर देते हैं। क्या बकवास कर रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक दिन नहीं हुआ ये सब कुछ हुए पर हर्ष कवारा मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर का दामाद कभी नहीं बनेगा। एक सेकंड, तुम कल आई थी ना वहां पर? मैं? अरे मैं, भाभी मैं कैसे आ सकती हूँ? हाँ आपने कहा जरूर था कि कार देने आएंगे, पर आपने हमें बुलाया ही कहा। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुमको देखा है, तुमको और तुम्हारी बेटी दिव्या को। नहीं 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 भाभी, आपको जरूर कोई गलत समझ हो गया। हम कहाँ हैं? हर्ष कुमार, आप लोग पूजा शर्मा के डेथ के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ था कल रात को? लाश को सबसे पहले तूने ही देखा था ना? इंस्पेक्टर सर, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा का सारा किया धरा इस मल्लिका का और इसकी बेटी का है। मैंने खुद देखा था इन लोगों को वहां पर, पता नहीं क्या किया। और अरे ये पता नहीं क्या बकवास करी है ये रजनी ना बड़ी लालची औरत है, इसने ना पहले मेरी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ा क्योंकि हम बहुत गरीब है ना साहब, इसलिए। और जरूर उस लड़की से मोटी पार्टी मिल गई होगी इसको, तभी इसने उसका इसी ने उसका मर्डर किया। ये रजनी ने उसका मर्डर किया साहब। अच्छा, यहाँ तो भाई लोग पहले ही केस सॉल्व करके बैठे हुए हैं। सबसे पूछताछ कीजिए और सबसे पहले इन मैडम से पूछताछ कीजिए, क्योंकि इन्हें पहले ही पता है कि डेथ एक्सीडेंटल नहीं है, मर्डर है। चल यहाँ से, चल, छोड़ो, निकल यहाँ से। क्या समझती है? मेरा घर बर्बाद करके तेरे को शांति मिली? अभी निकल मेरे घर से। मिल गई तुझे शांति मेरा घर बर्बाद करके? हाँ, मिल गई शांति? तुझे तो मैं पकड़वाऊंगी, पुलिस में दूंगी, पुलिस में। तो दोनों माँ बेटी जेल में सड़ोगे, जेल में। क्या देखना? तबाशा हो रही है यहाँ पे? क्या देख रहे हो? हमारा घर का मामला, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ। मम्मा, क्या हम पकड़े जाएंगे? मम्मा, मैंने हर चीज वैसे ही की है ना, जैसे मैंने बताया था। तो बस फिर वही पकड़ा जाएगा जिसे पकड़े जाना चाहिए। है हर्ष, लाइए उसे। क्या हुआ हर्ष? तो दो दिन से घर पर नहीं आया,
शायद फ्रेंड क्या होगा, चेक करो। अरे क्या हुआ सर? हुआ ये कि आपके बेटे ने पूजा शर्मा का मर्डर किया है। हमारे पास सबूत भी है और अरेस्ट वारंट भी। ये देखिए, ये वो मैसेज है जो पूजा शर्मा के फोन डेटा को रिट्रीव करके मिले हैं। आपके बेटे ने ही बुलाया था उस दिन उसको उस कमरे में। ये शादी तोड़नी होगी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं सुनेंगे। तुम कैंसिल करो, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ऊपर सामने वाले कमरे में मिलो, अर्जेंट। सर सर प्लीज सर, हाँ। मेरा बेटा हर्ष ऐसा नहीं है सर। सर वो यहाँ पर नहीं है। नहीं है, चलो ढूंढो सर। आप जाओ सर, हर्ष किलर है सर। क्राइम सीन पर उसकी प्रेजेंस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका बर्ताव सर, और वो मैसेज सर, हम उसको पकड़ लेंगे। देखा आप लोगों ने, खूनी निकला इनका बेटा और इल्जाम लगा रही थी हमारे ऊपर। हाय हाय, कितने गंदे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, खूनी। एक का तो मर्डर कर दिया, आगे पता नहीं कितना करेंगे। भगवान, ऐसे लोगों को इस शरीफों के मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। क्या हो गया है? कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ तक लाने के लिए ना बड़ी मेहनत लगी है मेरी, यहाँ लाना आसान नहीं था। देख बड़ा प्यार करता है वो दिव्या को, उसे पाने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि एक ना एक दिन दिव्या उसे मिल जाएगी, पर उसे ये नहीं पता कि मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे भी एक ना एक दिन। ये सब तुम लोग मेरी शादी उस दिव्या से कराने के लिए कर रहे ना? नहीं करूंगा मैं उससे शादी, कभी नहीं। और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं गायब हूँ, तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा। शक जाएगा? ले, इसमें शक की क्या बात है? मैं अभी कंफर्म करवा देती हूँ। ये है ना तुम्हारी मम्मा का नंबर, और ये फोन गया। हेलो। हेलो रजनी भाभी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हर्ष मेरे पास है। क्या? देखो भाभी, अब ना ये लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब साथ मिलकर काम करते हैं। तुम ना हर्ष और दिव्या की शादी के लिए मान जाओ, और मैं हर्ष के ऊपर पूजा के कत्ल का इल्जाम हटवाती हूँ। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। हर्ष को कुछ मत करना, तुम जो बोलोगी हम करने को तैयार हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। देखो भाभी, मैंने ना सारी तैयारी कर रखी, एक तरफ दिव्या और हर्ष की शादी की तैयारी, और दूसरी तरफ पूजा के कत्ल के इल्जाम में फंसाने के लिए दूसरी बकरे की। अब देखो भाभी, पूजा का कत्ल बिजली के तारों से हुआ है ना, तो पकड़े जाने वाला भी कोई बिजली की तारों को जानने वाला होना चाहिए। सॉरी, फोन कट गया। मेरा बेटा। शादी तो तेरी दिव्या के साथ ही थी बेटा। चुनाई राजा। क्या करें? पुलिस को बता दे? नहीं, पुलिस को बताने से कुछ नहीं होगा। वो तो यही समझती है कि पूजा का कत्ल हर्ष ने किया, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, पुलिस को बताना जरूरी है। आप चलो मेरे साथ, चलो। मल्लिका! अरे ये ताला लगा है रजनी। चाची,
आपने मल्लिका और दिव्या को देखा? नहीं देखा मैंने। देखा? चलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं हर्ष की मम्मी बोल रही हूँ। सर, मल्लिका ने हमारे बेटे का किडनैप किया, प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। सर, मल्लिका ने रजनी को कॉल किया था। क्या करो, तेरा दिमाग खराब है, ये हर्ष का फोन क्यों किया तुमने? जा देख जाके दिव्या तैयार हुई कि नहीं, जा ना, ये काम ठीक से नहीं करता। ओके सर, हर्ष का फोन ऑन हो गया, लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करनी है शादी। हेलो, कुछ पता चला क्या? मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी पता करो। चल पहना पहना पहना। मुझे नहीं करनी है शादी। तुम सुनो ही नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ। कहना नहीं करूंगा मैं शादी, कभी नहीं करूंगा मैं शादी। मत कर, बड़ी कोशिश कर, अगर मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा ना तो मैं किसी और के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। सर, लोकेशन मिल गई है, गौतम नगर का एड्रेस। गौतम नगर ले चलो जल्दी। हेलो, हर्ष की लोकेशन मिल गई, आप लोग जल्दी से गौतम नगर पहुंचे। हर्ष का पता चले। चल तमाम कोशिशों के बावजूद एक आम इंसान की कोई दिली ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो क्या करेगा? खुद को समझाएगा, संतोष कर लेगा। पर मल्लिका जैसे क्रिमिनल्स का दिमाग इस तरह नहीं चलता। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर वो बेकाबू हो जाते हैं और ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जिन्हें सोचकर भी एक आम इंसान की रूह कांप उठे। अपनी जिद के आगे किसी की जान लेना भी उन्हें छोटी कीमत लगती है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और सावधान रहें।